हेलो स्टूडेंट, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नीट एग्जाम सिलेबस, द चैप्टर विच आर कमिंग इन योर एग्जाम ऑफ मेडिकल एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट टॉपिक्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द चैप्टर एंड द वेटेज ऑफ दैट चैप्टर इन योर नीट एग्जाम. ओके, सो देयर इज द नीट. नीट इट मीन्स नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट. तो ये किस चीज के लिए है? मेडिकल के लिए. और मेडिकल में आपको तीन पेपर से क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी. बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन आते हैं? तो टोटल क्वेश्चन जो आता है वो 180 मार्क्स का होता है. 180 क्वेश्चन होता है. टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 180 क्वेश्चन होता है. और उस 180 क्वेश्चन से आपको 90 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से आता है. किससे आता है? फिजिक्स और केमिस्ट्री. यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ये दोनों का वेटेज कितना कितना है? 25-25%. यानी फिजिक्स 25% क्वेश्चन, केमिस्ट्री 25% क्वेश्चन. यानी 45 इससे और 45 इससे, और ये दोनों मिलाकर के 90 क्वेश्चन इससे आता है. और बायोलॉजी का जो है नीट के एग्जाम में जो वेटेज होता है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्या होता है? उससे ज्यादा होता है, दुगना होता है, या फिर कहेंगे इन दोनों के इक्वल होता है. अकेला कौन सा? बायोलॉजी का चैप्टर. यानी बायोलॉजी में अकेले कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बायोलॉजी में अकेले 90 क्वेश्चन. यानी कि 90 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके बायोलॉजी के चैप्टर से पूछे जाता है. अब आपको पता है नीट के एग्जाम में जो बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें दो डिफरेंट बुक होता है. कितना बुक होता है? दो डिफरेंट बुक. एक 11th का बायोलॉजी हम पढ़ते हैं और सेकेंड जो है 12th बायोलॉजी पढ़ते हैं. और मेनली हम फोकस करते हैं एनसीईआरटी बुक को, क्योंकि 90s में से जो 85, 88, 87 क्वेश्चंस जो है, 88 क्वेश्चंस जो है वो टोटली किससे आता है? वो आता है एनसीईआरटी से. दैट्स व्हाई वी नीड टू फोकस ऑन एनसीईआरटी बुक. सो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम द 11th बायोलॉजी? So here is your answer. From 11th class, there are 50 questions that can be asked in your exam. So 11th class से biology से 50 number of questions पूछे जाते हैं. वही अगर आप देखो तो 12th class के biology से कितने questions पूछे जाते हैं? 50 questions. So ये भी समझना है कि अगर आप 11th से 12th में चले गए तो 12th का question number of questions जो है NEET exam में ज़्यादा आएगा. ऐसा नहीं होने वाला है. दोनों में question जो है almost 50-50% का वेटेज होता है. यानी कभी इसमें 45 क्वेश्चन हो सकता है, इसमें 45, कभी इसमें 48 हो सकता है, तो इसमें कम हो सकता है. यानी एक तो क्वेश्चन आगे पीछे हो ही होएगा ही होगा. ठीक है. सो 11th का बायोलॉजी और 12th का बायोलॉजी दोनों के वेटेज जो देखे वो कितने हैं? 50 क्वेश्चन इससे, सॉरी 50% जो है, यानी कि जो 90 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से 50% जो क्वेश्चन है वो 11th के बायोलॉजी से आएगा. किससे? 11th के. और 50% जो क्वेश्चन है वो यहां से आएगा. यानी ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन. कितना? 45 क्वेश्चन जो है आपको 11th के बायोलॉजी से और 45 क्वेश्चन जो आपके 12th बायोलॉजी सेक्शन से आपको पूछा जाएगा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर एंड द यूनिट. तो अगर आप 11th क्लास एनसीईआरटी बुक निकाल करके देखते हैं तो 11th में आपके पास 6 ऐसे यूनिट मिलेगा जिस यूनिट के इस तरीके से कुछ नाम दिया गया, जैसे डायवर्सिटी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी. ये यूनिट है. और इस यूनिट में क्या है? अलग अलग चैप्टर है, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर है. जैसे डायवर्सिटी की बात करो तो इसमें सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में सिखाया गया है, और उसके बाद इसमें बात की गई है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में. प्लांट और एनिमल किंगडम के बारे में, यानी कि प्लांट डायवर्सिटी और एनिमल डायवर्सिटी जो है वो आपको पढ़ने के लिए मिला है फर्स्ट चैप्टर में. और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होता है. और यहाँ से सेवरल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बहुत ज्यादा नंबर पे यहाँ से क्या किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है. तो डायवर्सिटी की अगर मैं बात करूं कि यहाँ से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर देखो तो एनिमल डायवर्सिटी से कम आपको 4-5 क्वेश्चन पूछे जाता है.
जबकि प्लांट डायवर्सिटी जो है इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछ लिया जाता है, यानी 10 क्वेश्चन के आसपास आपको प्लांट डायवर्सिटी और ऑलमोस्ट 5 से 7 क्वेश्चन के बीच में 5 क्वेश्चन के आसपास आपको एनिमल किंगडम से भी पूछा जाता है। तो यानी कि यहाँ से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कितना आएगा, 15 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आपको यहाँ से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होता है आता है। वैसे हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, यानी कि प्लांट के मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ प्लांट। तो प्लांट के एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एम फॉर मॉर्फोलॉजी। एंड इसी में हम पढ़ते हैं एनाटॉमी, यानी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट। तो एनाटॉमी भी हम यही पढ़ देखते हैं, साथ ही हम हिस्टोलॉजी भी देखते हैं। क्या देखते हैं, हिस्टोलॉजी यानी उसमें हम थोड़े से ब्लड से रिलेटेड, ब्लड टिश्यू वगैरह इसके बारे में थोड़ी बहुत और भी वहां से इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन किसमें, ये हम पढ़ते हैं सेकेंड यूनिट में, ठीक है। और यहाँ से इसका वेटेज जो है अगर देखें, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने एग्जाम में पूछा जाता है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक मेमोरी बेस्ड चैप्टर होता है, और इस चैप्टर से आपको कम से कम 5 to 7 क्वेश्चन जो है जो की पूछा जाता है, 5 to 7 क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको पूछ लिया जाता है, किससे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से, है ना। इससे ज्यादा नंबर ही क्वेश्चन हो सकते, कम नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या किया जाता है, पूछा जाता है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। वैसे सेल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो सेल स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं सेल के बारे में, टिश्यू के बारे में, सेल साइकिल के बारे में, और फिर पढ़ते हैं हम इसी चैप्टर में, इसी यूनिट में एक और चैप्टर दिया गया है, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये भी एक बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है और काफी अच्छा चैप्टर है, कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है। तो इससे भी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ से ऑलमोस्ट जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो यहाँ से कम 10 के आसपास आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, 10 के आसपास आपको यहाँ से पूछा जाता है। नाउ प्लांट फिजियोलॉजी है और ह्यूमन फिजियोलॉजी है, तो अगर बात करते हो आप प्लांट फिजियोलॉजी का, तो प्लांट फिजियोलॉजी में न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, ऐसे 5 चैप्टर है जो कि इस चैप्टर में प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में आता है, और सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंस है और काफी कंसेप्चुअल है, अच्छे चैप्टर्स हैं जो कि आपको समझना होता है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है उससे, ठीक है। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से ऑलमोस्ट आपको 8 से 9 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी 8 से 9 क्वेश्चन, ठीक है। और ये है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपका आता है सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, और ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड एंडोक्राइनोलॉजी, हार्मोन वगैरह का, बोन्स, मसल्स, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी से मिलता है। और यहाँ से भी अगर आप देखो, तो क्वेश्चन जो है प्लांट के कंपेयर में 7 से 8 तक आ सकता है। तो अगर आप देखो, तो यहाँ 15 क्वेश्चन और 15 और 5 20 कर सकते हो, 20 और 10 30 और 8 7 15, तो यही 45 क्वेश्चन जो है जो इस चैप्टर से, यानी क्लास 11 के इन यूनिट से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये डायवर्सिटी एक यूनिट है, ऐसे ही कितने यूनिट, 6। तो ये हुआ फ्रॉम द क्लास 11th। नाउ वी कैन सी हियर फ्रॉम द क्लास 12th बायोलॉजी 50% इज आल्सो आस्क्ड फ्रॉम द क्लास 12th, इट मींस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 45। सो हियर इज आल्सो गिवन अ 5 यूनिट, दीज आर द यूनिट्स एंड देयर आर नंबर ऑफ चैप्टर्स विद इन दिस यूनिट। सो फर्स्ट यूनिट इज रिप्रोडक्शन, एंड द रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, प्लांट रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस रिप्रोडक्शन के अंदर 4 चैप्टर छोटे छोटे दिए गए हैं, और ये रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस चैप्टर से आपको अगर आप देखो, तो इस चैप्टर से भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन इजिली आपको मिल जाएगा, कम से कम 8 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो अकेले रिप्रोडक्शन से इतने क्वेश्चन। नेक्स्ट जेनेटिक एंड इवोल्यूशन की बात करें, तो इसमें हम जेनेटिक इनहेरिटेंस, मेंडल के वर्क के बारे में पढ़ते हैं, जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग इवोल्व फाइनली आगे चलकर के हम लोग किस तरीके से इवोल्व हुए हैं। तो रिप्रोडक्ट जेनेटिक एंड इवोल्यूशन ये भी एक अच्छा टॉपिक है, और यहाँ से कम आपको
10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएगा, 10 से 15 क्वेश्चन वहां से मिलता है और काफी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। और ये पूरा जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कंसेप्चुअल है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझने की जरूरत पड़ती है और बहुत आसान है समझने पर। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी एनवायरमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, पॉल्यूशन जो है, या फिर हम पढ़ते हैं कि जो बायोडायवर्सिटी है उसके बारे में भी इसमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है ना, और ओजोन गैस वगैरह का जो है, तो ये भी हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इकोलॉजी के अंदर 4 से 5 चैप्टर आता है, तो आप वो इकोलॉजी को भी पढ़ते हैं। और यहाँ से कम आपको 10 क्वेश्चन तो फिक्स है जो कि आएगा, और सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे इजीली अवेलेबल अंडरस्टेबल जो है इकोलॉजी चैप्टर है, और वो आप इजीली यहाँ से कर लेते हैं। नेक्स्ट आप देखो बायोटेक्नोलॉजी का, तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ने के लिए मिलता है 2 चैप्टर, जिसमें कि आप इसके एप्लीकेशंस के बारे में भी सीखते हो, है ना। तो कैसे जीन का हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसको किस तरीके से हम उसका एप्लीकेशन करते हैं, तो यहाँ पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी से भी आपको क्वेश्चन ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन तो कम से कम आपको मिलेगा ही, ठीक है, कम से कम 5 क्वेश्चन तो मिलेगा ही, 5 से ज्यादा ही मिल सकता है, कम नहीं मिलेगा, 5 to 7 क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर जो है बायोटेक्नोलॉजी, ये भी समझने वाला है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आरएनए डीएनए आरएनए जो भी हम पढ़ते हैं वो सब की सब कहाँ पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में फिंगरप्रिंटिंग के बारे में भी हम यहाँ पर सीखते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें हम यहाँ पढ़ते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड, इम्प्रूवमेंट इन कैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं एक का, मिल्क का, कैसे हम एग्रीकल्चर में अपना सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल है, तो माइक्रोब्स के ऊपर एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है। तो यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी अच्छा चैप्टर है, आपको याद रख, इसमें आपको कुछ मेमोरी बेस्ड भी है और कुछ समझने वाली बातें भी है ना। तो बायोलॉजी से भी आपको अच्छे खासे की बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो है इसमें, इससे भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में आपको यहाँ से आ जाता है, यहाँ से 10, 10, 20, 10, 30, 5, 35, 37 ऐसे कुछ हो गया। तो यहाँ पर जो बचे हुए क्वेश्चन है यानी कि 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर दिख सकता है, तो ये 5 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी दिख जाता है। तो ये है आपका 100% सिलेबस, ये है आपका बायोलॉजी का फुल सिलेबस, जिसमें 11th के सेक्शन से कौन सा चैप्टर है, कौन सी यूनिट है, 12th में कौन सा यूनिट है, और दोनों से किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन से चैप्टर पे पूछा जाता है, तो यही आज मैंने आपको इस सिलेबस में बताया है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। थैंक यू।